आइए आपको आज का स्किट दिखाते हैं। दिनेश साहेब मौला, होर भाजी की हाल चाल है तुहाडा? मौला जी सो तो इतनी सख्त अड्डी है इस बूट दी। तो बात सुनो। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी हाँ जी। तुम मुझे क्या हुआ तुम्हें? इस नौकरी की सब तो भैड़ी गल है भी सलूट मारनी पैंती है और थले जोर दी पैर मारो। सवेर दा जोर दी पैर मार मार के मेरे करल पै गई यकीन करो। तो फिर सर हसो ना, ये मेरे को थोड़ी रहत वरतो। की रहत वरतो? मेरे को सलूट ना बनवाओ, उन्हें गोडे हथ लवा लिया। ओए सीनियर को सलूट मारना प्रोटोकॉल होता है। अताई है ना, इन्हों पता नहीं गोडे हथ लाने की अहमियत। एंकर इन्ना खुश होंगे ना जो उन्होंने गोडे हथ लगता है, यकीन करो फूले नहीं समाते। बेवकूफा, सारी जिंदगी असं भी गोडिया सलूट मार मार के इतने तक पहुंचे। खैर हो तुहाडी मौला। सर जी ईद आ गई है, कोई साडी भी ईद बनवाओ। उत्तर मैं नाका कद नहीं खोलिया, तुहाडे पास ही खोलिया। देखो मेरी गल सुनो, ईद सिर ते आ गई। हाँ जी। ईद सिर ते नहीं आई। हाँ जी। समझो ईद साढ़े सिर ते आ गई। असी भी फैमिलियां वाले। हाँ जी। साड़ियां भी घरां च भीफियां ने। इंज दियां असी लोकां नूं बाहर बड़े सख्त नजर आने। ओहो। लेकिन जो साड़े ना हुंदी है असी जानने, साडा अल्लाह जानदा या घर बैठी बीवी जानदी। उहनूं खर्चे चाहीदे ने। हां जी। उहनूं हर चीज चाहीदी, उहनूं मेकअप भी चाहीदा, उहनूं कपड़े भी चाहीदे, जुत्तियां भी चाहीदे। कित्थों लै के आवांगे असी? असी नाकिया तों। नाके इह देणगे सानूं? नाके नाके ईद वाले दिन भी फाके? नो नो। चोर मारनगे डाके, असी लावांगे नाके। उस तों बाद आ जा मेरे काके, आ जा मेरे काके। अच्छा गल सुणो। हां जी सर। कोई बंदा भी जदों इत्थे आए, हां जी, केस जरूर बनाना। क्यों नहीं? पहला जिहड़ा साडा होना चाहीदा है कि किसी बंदे दे कोल अगर बिल्कुल पेपर भी पूरे ने, ठीक है जी, किसी बंदे दे कोल मतलब कोई ऐसी वायलेशन नहीं उन्हें की थी, ठीक है जी, कोई ऐसा काम कढ़ के लैके आना, ऐसा नुकता कढ़ के लैके आना जिस पता लगे कि तू पुलिस च भर्ती हो। मैं सर ऐसा ऐसा नुकता पेश करांगा, अगला हैरान हो जाएगा। सर जी मेरी बंदूक अगे ना आना, नकारा जी खटारा जी की आपे ही चल जांदी जे। उत्तर मैनू 15 साल हो गए ने पुलिस दे विच। जी सर जी। मैनू नहीं पता साडियां बंदूकां किस तरह चलदियां ने। ये तो उदो नहीं चलती जो चलनी चाहिए। पुलिस वाले की गड्डी ते बंदूक अगर टाइम ना चल जाए तो सानू पुलिस कहने कहना? तेनों इहदे ते बहुत यकीन है? चला मेरा पुत्तर चला। हैं? चला मार 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 गोली सीने च सजना खा लांगा। इहनू वकील भी बना दो, इहने डांस जरूर पाउणा हुंदा। अल्लाह दी कसम है सर, तुहाडी नहीं गल कर रही, उहदी गल कर। कल मेरे सामने डाकू आए पिस्तौल ते चली नहीं, मैं इंज करना पिया। उह तो डाकू भी उह कढ दे सी, उह डर के दौड़ गए। फिर दूर जाके आपस गल्ला करते सी, ए बंदूक की आवाज कोई बदली बदली लगती है। हाँ हो कि जाता पिया है? हाँ। तुहानू पता पूरे उकाड़े च सिर्फ यही गल्लां हुंदियां, हाँ हो हाँ हो। गल उन्हां दी एक मिनट की हुंदी, हाँ हो पा के पांच मिनट की कर लैंदे। बेटा आइटम हो कर जिहड़ी मन्नी जाए। जी जी। इस तरह नहीं सी होई, डाकू नहीं सी दौड़े, तू दौड़िया सी, क्योंकि डाकू ने तेरे कन्न च कहता सी कि जे सानू फड़ेगा ना तो होस्ट नूं कह के तैनूं शो चो कढ़वा देंगे। हाँ जी हाँ जी। उन्हां दा नाम ही लिया सी जनेश साहब दा, कहते मेरे वे भरा उत्थे होंगे। मैं कि कहते जोड़े कहते नहीं मौला खुश रखे आबाद रहे, चल आपकी खैर हो फिर मिलेंगे। सर जी सानू नाका लाण दा की फायदा? क्योंकि असी टका नहीं वटिया, पेंचर वाले ने 750 वट लिया। पर मैं अन्ना नहीं, मैंने भी इतने 7 साल हो गए ने नाका लाते हैं। हाँ जी। ये को ना मैं कभी कोई मोटरसाइकिल वेखी, ना कभी कोई ट्रक वेखिया, एको ट्यूब में बैठा खारिज करता रहा है। उन्हें 700 कमा लिया तो असी कि साहब हुरां दे बुल पानी वाले टप च पा दईए, बाद चो बुल बुल बुले मार रहे हो। कानून दी वायलेशन हो रही है, मतलब इस मुल्क औरतां मोटरसाइकिल चलाण गईआं? वाह जी वाह, तुसीं समझिआ कानून सुता पिआ प्यारां दे थले नूं? कौन से कानून की वायलेशन हो रही है? ये जो कानून हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। मैं तेनू ऑस्ट्रेलिया के कानून की गल कर रहा हूँ, मैं तेनू हिंदुस्तान के कानून की गल कर रहा हूँ, पाकिस्तान के कानून की गल कर रहा हूँ। तू हेलमेट पा के धड़ा तड़ पैया चुके मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, तेनू पता नहीं देखता कोई नहीं पिया? और पाकिस्तान के कानून में कहां लिखा हुआ है कि फीमेल्स बाइक नहीं चला सकती? हुण तेरी खातर असीं सारियां किताबां लै के आईए ते खोलीए, तेनू सफा नंबर दसीए, फिर लैन दसीए, फिर तेनू पढ़ाईए। बिल्कुल। तेरे प्यो दे नौकर नहीं लगे असीं? फीमेल मोटरसाइकिल चला सकती है लेकिन हील वाली जूती पा के नहीं चला सकती। अरे वक्री हीलो हुज्जत, वानी हीला पा के मोटरसाइकिल चलाइया जा रही। ये आपकी हील जो इस व्हील में फंस जाए कौन जिम्मेदार है? अच्छा ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि फीमेल हील पहन के बाइक नहीं चला सकती? बीबी हम यहाँ पर ना कानून की किताबें दिखाने के लिए नहीं खड़े हुए, हम सिर्फ ना लोगों को जुर्म करने से रोकने के लिए खड़े हुए। आपने जुर्म किया है मैडम? आप मुझे ये बताएं कि मेरा जुर्म क्या है? औरत होना? नहीं 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 नहीं, ये जुर्म तो नहीं है, औरत होना जुर्म थोड़ी है, औरतों के मोटरसाइकिल चलाना ये तकरीबन जुर्म ही बन जाता है। और इतना ज्यादा मेकअप करके मोटरसाइकिल चलाना, ओए होए होए, तुम्हें पता कितने एक्सीडेंट होते हैं? आप मुझे ये बताएं इसके पेपर है आपके पास?
जी बिल्कुल है। लाइसेंस है इसका? जी है। कोई बकरी चीज का डम मरे। अच्छा मैडम ये बताएं इसमें पेट्रोल है? नहीं। आपको क्या लग रहा है ये मीठी लस्सी से चल रही है? ओए मैं सदके जुगता ओ भी पकियां सानू तक नाके छड़ देने चाहिए ने सानू असी जो करो काम करना है असी हुण वेले हो जाइए। पेट्रोल की रसीद दिखा दे मैडम। पेट्रोल की रसीद? उसकी रसीद कब होती है? रसीद कब होती है? आपको पता है कि रसीदें ना दिखाने पर वजीर आजम फारिग हो जाते हैं। आप कह रही पेट्रोल की रसीद नहीं है? रसीद है तो मुझे बताएं वरना मैं चलान काटूंगा आपका। कट तो कट 6 महीने ते 2000 रुपया साडा जुर्माना ही। हाँ जी। नहीं ओए अफसरो ओए औरतां नूं ते माफ कर दियो कोई हलाल भी खा लो। हलाल की खा लईए? हलाल की खा लईए? तैनूं इत्थे स्टायर बोलण वास्ते बिठाया है? पेंचर ला रहे हैं जी। इस काम वास्ते भाई काफी नहीं है आप? तू हलाल खाना है? हैं पेंचर एक हुंदा 6 कढ़ना नाल तू कह देना ताडी नोजल भी लीक है। ओ केले 6 जगह ते फिर जांदा भाई जान। 6 जगह ते केले ना होया आवारा मुंडा हो गया सारी जगह ते जेड़ा फिर जांदा। भाई कल एक ट्यूब च कोई पेंचर नहीं सी हैगा मैनूं कहंदा फेर मार। मैडम ये तो इशारे चलदे ने। मेरी बाइक परफेक्टली फाइन है। और आपको क्या लगता है कि मैं आप लोगों की इन गीदड़ भभकियों से डर जाऊंगी? और मैडम मेरी बात सुने हमारे साथ किसी सिफारिश की बात ना करना समझो कि नहीं। मैं सिफारिश नहीं देखता मैं सीधा चलान कटूंगा या सीधी सजा दूंगा। देखिए मेरे पास ना तो कोई सिफारिश है मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और बाइक चलाना मेरा कानूनी हक है। केड़ा हक है? तुहाडे ते हक ही नहीं मुकदे पए। मर्दों के शाना पछाना चलना हमारा हक है ठीक है। मैंने ये चीज लेनी मेरा हक है। मैं अपने बंदे को मारूंगी मेरा हक है। देखिए अगर आपने अपनी ये ड्रामेबाजी बंद ना की तो मैं मीडिया में जाऊंगी मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। हर औरत सानू यही धमकी लांदी है। मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगी। सोशल मीडिया की कर लगा साडा है? अब जो भी करना ना आपस में मुख मुका करने भैन मेरी पता की है खाम का तुसी औरत जात हो पूरे महल्ले में अगर पता चलेगा ना कि आप फड़ी गई हैं। फड़ी गई? ये आप मुझसे किस बाजारी जबान में बात कर रहे हैं? मैडम देखना हम खड़े कहाँ पे हैं? आप मोटरसाइकिल कहाँ पे चला रही थी? घर पे चला रही थी? बाजार में छत पे चला रही थी आप? हैं बाजार में चला रही थी? बाजार में आपको पकड़ा? आपकी सारी गलतियां माफ है। देखें जी हेलमेट टूटा हुआ है अगर आप घिरे आपको चोट लग जाए घटो घट 5000 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ 2 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਵੀ। मेरी बात सुने पता क्या है मैं नहीं चाहता कि हम लंबे केसों में पड़े हमें भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। आप भी लड़की हैं बस ईद आ रही है तो अपनी खुशी से जो देना दे दें। इससे बेहतर है कि आप लोग भीख मांगना शुरू कर दें। वही तो कर रहे हैं मैडम। एग्जैक्टली बजाय कि आवाम को इस तरह रास्तों में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। मैडम देखें हमारे भी 16-16 घंटे ये बड़े बूट पहन के सड़कों पर खड़े होना गर्मी शदीद ना बच्चों का फिक्र ना कुछ तो हमारा हक तो बनता ना आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं इधर। आप जरा हील के साथ ऐसे करके दिखाए ना मैं मौला जी अंजना हो गए थे। एक मिनट सबर कर बेवकूफ आदमी। जी जी बहन है अपनी दे कुछ दे भाई को कुछ। भाई को कुछ? जी पहले भाई देखिए जो बहन से कुछ मांग रहे हैं। दे दे भैणा कानून हुण तर लिया ते आ गया ही। चलो हुण किसे बड्डे दी मान लेदी हुंदी है। सर जी इहनू ते टायर चोरी दे केस फड़ो। इहनू रब नूं एक ट्यूब लभी उहनू रगड़ी जा रिहा रगड़ी जा रिहा रगड़ी जा रिहा। और कैसी गल है कि रगड़ उत्थों रिहा जिथे पहले पेंचर लगा। अच्छा हुण लगा ट्यूब रगड़न? यह पिछले 2 हफ्ते तों अपना पैर रगड़ी जा रिहा सी। इहदा एक पैर 7 नंबर दा दूजा 9 नंबर दा। हर 2 मिनट बाद रगड़ के तो शलोशन पा के इंजन कर रहा हूं। मैडम आपका घर किधर है? आपने क्या करना है? मैं आपके पापा को जाके शिकायत लगाऊंगा कि आपकी बेटी नाके पे रुकती और भाइयों को कुछ नहीं देती। हाँ जी। अच्छा आपके पापा जिंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मामा? वो भी जिंदा है। जे ओ जिंदा ने तो आज फिर ये मर गए। ओए 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 हेलो कौन मर गए? तो सर मेरे पैसे मर गए ट्यूब वाले जी। सर पता है सारा समय ना समझे को नहीं पक्की गल सानू इत्थे वजदी है बताते हैं आपको जरा ठहर जाए 10 मिनट। क्या इस बैग के अंदर है? सर कपड़े हैं मेरे मैं ईद करने के लिए गांव जा रहा हूँ। पेंशन वाले जी सर उठ जा बैग खोल ये बम कट के पानी चाहे बम चेक कर। इन कल भी एक बम चेक करने का क्या जनाब बम रगड़न लग पाया वो चलिया बेड़े गर्क हो गए। ठीक है ओ सर कपड़े है जी। सर मैं कह रहा हूँ कपड़े हैं मैं गांव ईद करने के लिए जा रहा हूँ। इधर आ जा इधर आ गांव ईद बैठो थले बैठ थले बैठ। ईद आने वाली है ते नाके तो लंघना पिया ते कपड़े धोने वाले लेके जा रहे हैं ऐसी तेनू मामा नाका लाया मशीन लाई है तेनू पता नहीं असीं किड्डे वड्डे नवा सूट किथे है। सर नवा सूट अभी गांव टेलर के पास है उसके पास मेरा है ना मतलब नाप वो मुझे सी देता है। नहीं तो टेलर को पिया साडे कोलो पुराने लेके नंगना पिया तेरे प्यो दे नौकर लगे असीं इत्थे असीं जिहड़ा नाका ला के बैठे हां असीं इहदे नूं की पाणा एडे भैड़े कपड़े लंडे दे ने
है? दस लमाओ। तेरा नाम की है? सर मेरा नाम फलक शेर है सर। फलक शेर काम की करना तू? सर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं वो चलाता हूँ। एम्ब्रॉयडरी मशीनें चलाता हूँ जी सर। तेरी अपनी है या किसी को काम करना तू? सर मैं किसी के पास मुलाजम हूँ। उठो चोरी चौके दौड़िया कपड़े चोरी चौके ने है ओ नहीं चोरी करना मालिक नु पता इस गल दा दोस्तों दौड़िया तू? ओ सर मैं छुट्टी लेकर आया हूँ मालिक को बता के आया हूँ। सर जी इधर देखो अपना बेटा ये तुम्हारा बैग है इसको ना हिफाजत से रखो इसको अपने पास रखते हैं। होता क्या है कि लोग समझते हैं कि दहशत करता है अगर किसी का लवारस बैग पड़ा हो ना तो उसका ख्याल रखते हैं बल्कि उसको दे देते हैं। ये उठाओ अपने घर जाओ जाके ईद मनाओ अपने बहन भाइयों के साथ जाओ। और आपके साथ मजाक हो रहा था कैमरे की तरफ हाथ ला दो जरा वो रौफ लाला खड़ा ही देखो